यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है जो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे एक आपका एल्किन दिया हुआ है, यहाँ पे आपका एक एल्किन दिया हुआ है, और जो कि एल्किन कुछ इस तरीके का है, ठीक है, और इसको इस एल्किन को ट्रीट करवा रहा है आपका मिथाइल क्लोराइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सर के साथ में, और यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आपका मिक्सर है मिथाइल क्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या करने वाला है, यहाँ पे आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में जो हाइड्रोक्साइड आयन है यह इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, और ब्रेक हो करके यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपका, कुछ इस तरीके का आपका कार्बन आयन बनेगा, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे आपका भी क्लोरीन के ऊपर क्या है थ्री लोन पेयर है, तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में रिपल्सन होगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से आपका जो क्लोरीन है वह एज ए क्लोराइड आयन के रूप में बाहर निकलेगा, और जब ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा एक मिथाइलिन कार्बिन का फॉर्मेशन होगा, मिथाइलिन कार्बिन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब ये जो मिथाइलिन है आपका, ये जो आपका मिथाइलिन है, ये जो मिथाइलिन है आपका, ये मिथाइलिन इस एल्किन में क्या हो जाएगा, एल्किन में इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आप जानते हो कि जो नेचुरली जो प्रिपेयर किए जाते हैं कार्बीन, वह कार्बीन किस नेचर के होते हैं, सिंगलेट नेचर के होते हैं, सिंगलेट नेचर के होते हैं, यानी ये जो आपके फ्रेशली प्रिपेयर्ड कार्बीन होते हैं वह सिंगलेट कार्बीन होते हैं नेचर में, और जब सिंगलेट कार्बीन का इस एल्किन पे एडिशन होगा तो जो स्टीरियो केमिस्ट्री होगी वह चेंज नहीं होगी। अगर ये दोनों मिथाइलिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर आपके सिस पोजीशन पे है तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, अगर वो प्रोडक्ट में उस प्रोडक्ट में जो मिथाइलिन होगा वो भी क्या होगा आपका सिस पोजीशन पे होगा, तो सिस पोजीशन पे अगर हम मान लें इस वाले कार्बन पे आपका मिथाइलिन ग्रुप एबव द प्लेन है, तो इस कार्बन पर जो मिथाइलिन ग्रुप होगा वो भी क्या होगा एबव द प्लेन होगा, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन इस तरीके से बिलो द प्लेन चला जाएगा, और यहाँ पे आपका CH2 ग्रुप इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आ जाएगा, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनल प्रोडक्ट वह ये होगा, तो दिस इज योर प्रोडक्ट। इसी तरीके से मान लो कि आपका यहाँ पे एक और रिएक्शन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं, दूसरे क्वेश्चन में क्या है आपका, दूसरे क्वेश्चन में आपका इस तरीके का आपका कार्बीन है, सॉरी एल्किन है, और इस एल्किन को ट्रीट करवा रहा विथ ए मिक्सर ऑफ मिथाइल क्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ रिएक्शन मिक्सर में नाइट्रोजन गैस को ऐड कर दिया जाता है। तो आप ऑलरेडी हम यहाँ पे पढ़ी चुके हैं कि मिथाइलिन क्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो मिक्सर है वह आपका मिथाइलिन कार्बिन को जनरेट करेगा, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन गैस एक इनर्ट गैस की तरह बिहेव करेगा और इससे कोलिजन करके इस सिंगलेट कार्बिन को किसमें चेंज कर देगा, ट्रिपलेट कार्बिन में चेंज कर देगा, सिंगलेट कार्बिन को किसमें चेंज कर देगा, ट्रिपलेट कार्बिन, और जब ट्रिपलेट कार्बिन का इस पाई बॉन्ड पे एडिशन होगा इंसर्शन होगा तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपका बनेगा उसकी केमिस्ट्री होगी वह इन्वर्टेड होगी, और यहाँ पे दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, क्या मिलेंगे, दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक प्रोडक्ट में आपकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री होगी वह चेंज नहीं होगी और दूसरे वाले प्रोडक्ट में आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपका ये दोनों मिथाइलिन ग्रुप इस एल्किन में सिस पोजीशन पे है, यहाँ पे अगर इस ये जो आपका कार्बन है इस कार्बन से जो मिथाइलिन जो ग्रुप जुड़ा होगा अगर मान लो ये एबव द प्लेन है तो
यहाँ पे आपका इस वाले कार्बन से जो मिथाइल ग्रुप होगा वो भी अबव दी प्लेन, ठीक है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो बिलो दी प्लेन, ठीक, और यहाँ पे आपका इन दोनों के बीच में एक CH2 ग्रुप आ जाएगा। और इसी तरीके से जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा आपका वह इन्वर्टेड प्रोडक्ट होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा आपका, ये जो दोनों मिथाइलिन है जो पहले सिस पोजीशन पे थे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस पोजीशन पे चले जाएंगे। तो अगर मान लो इस कार्बन पे जो जुड़ा हुआ मिथाइलिन ग्रुप है वह अबव दी प्लेन है, तो इस कार्बन से जो पे जुड़ा हुआ जो मिथाइलिन ग्रुप होगा वह बिलो दी प्लेन हुआ, क्या होगा, बिलो दी प्लेन होगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा आपका अबव दी प्लेन, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन हुआ बिलो दी प्लेन हुआ, यहाँ पे दोनों के बीच में एक CH2 ग्रुप आ जाएगा, तो दो प्रोडक्ट आपको मिले, ठीक है। और इन दोनों प्रोडक्ट में से जो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा वह इन्वर्टेड कंफिग्रेशन वाला होगा, क्योंकि तो हमने देखा था इससे प्रीवियस लेक्चर में कि जब आपका ट्रिपलेट कार्बिन का किसी एल्किन पे एडिशन होता है तो जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वह इन्वर्टेड कंफिग्रेशन वाला होता है। इन्वर्टेड कंफिग्रेशन करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर सिस पोजीशन पे था तो जो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा उस मेजर प्रोडक्ट में जो मिथाइलिन ग्रुप होंगे वह दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस पोजिशन पे होंगे, ये आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपका कोई एल्काइन है, क्या है, कोई एल्काइन है इस तरीके का, और इस एल्काइन पे अगर हम यहाँ पे कार्बीन का एडिशन करवा दें तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, एक आपका आपको पता ही है कि ये क्या है, या यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल वो भी किस टाइप का मल्टीपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इस ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। इस पाई बॉन्ड पे आपका जो मिथा कार्बीन होगा वह जाके इंसर्ट हो जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वह कुछ इस तरीके का बनेगा, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आपका बनेगा, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे आपका आ गया दूसरा, यहाँ पे प्रोडक्ट पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट क्या होगा, तो आपको पता ही है यहाँ पे जो आपका कार्बीन बनेगा वह क्या बनेगा, डाइक्लोरोमीथेन कार्बीन, ठीक है, कुछ इस तरीके का। और ये आपका जो कार्बीन होगा ये कार्बीन जा करके यहाँ पे पाई बॉन्ड में इंसर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका आपका कुछ इस तरीके का फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। और दूसरे वाले स्टेप में क्या बोल रहा है, दूसरे वाले स्टेप में बोल रहा है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे अच्छा फर्स्ट स्टेप में आपका क्या बना, कार्बिन बना, और ये कार्बिन जाकर के ट्रिपल बॉन्ड पे क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। और यहाँ पे आपका चूंकि रिएक्शन मिक्सर में आपका बेस है, बेस तो प्रेजेंट होगा ही होगा, तो यहाँ पे जो OH, इस बेस का जो OH था वो भी OH क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा इस वाली पोजीशन पे, और यहाँ पे आपका क्लोरीन एज ए क्लोराइड आयन के रूप में बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे दो हाइड्रोक्साइड ग्रुप दो बार यहाँ पे इस पोजीशन पे अटैक करके दोनों हाइलोजन को, दोनों क्लोरीन को, आपको जो दोनों क्लोरीन है वह क्लोराइड आयन के रूप में बाहर हो जाएंगे, और यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वह कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है, OH, OH, ठीक है। और यहाँ पे एक कार्बन पे दो हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, एक अगर कहीं पर एक कार्बन पे दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो वो स्टेबल नहीं होते हैं, और यहाँ पे आपका H2O इलिमिनेट हो जाएगा, और इलिमिनेट होकर के यहाँ पे आपका क्या बनेगा, एक आपका इस तरीके का कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे फिर आप क्या करवा रहे हो, बेस के साथ में रिएक्शन, बेस का जब रिएक्शन होगा इस बेस में, इस एसिड में आपका जो एच है वह पॉजिटिव चार्ज है और जो यहाँ पे बी है वह निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि क्या है ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है,
ये लोन पेयर का होगा। इन लोन पेयर पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होने की वजह से इसके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और ये लोन पेयर इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। अगर यहाँ पे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है आपका लोन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन का सॉरी ऑक्सीजन का ऑक्सीजन अगर यहाँ पे आपका प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो इस ऑक्सीजन के पास कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे आपका अभी क्या बचा हुआ है? पी एन आई एन, ठीक है, और जो कि क्या करेगा यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा वह कुछ इस तरीके का बनेगा। फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपका पर इस तरीके का बने। ठीक है, दिस इज योर प्रोडक्ट, दिस इज योर इसी तरीके से बात करते हो। अगर मान लो कोई आपका कंपाउंड इस तरीके का है, ठीक है, तो और यहां पर अगर एडिशन करवा दिया जाए आपका मिथाइलिन कार्बिन का, अगर एडिशन करवा दिया जाए मिथाइलिन कार्बिन का अगर एडिशन इस एलिन सिस्टम पे, व्हाट इज दिस? दिस इज एलिन। एलिन में क्या होता है? एलिन में आपका जो डबल बॉन्ड होता है वह रेगुलर पोजीशन में होता है, यानी अल्टरनेट पोजीशन में ना होकर के क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। तो एक है आपका सिमिट्रिकल, यहाँ पे आपका दिया हुआ है एक एलिन, और इस एलिन का नाम है प्रोपाडाइन, प्रोपाडाइन, ठीक है, प्रोपाडाइन। ये है आपका एलिन। एलिन में क्या होता है? एलिन में आपका जो डबल बॉन्ड होता है वह एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं? एडजेसेंट पोजीशन पे होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो डबल बॉन्ड था इस डबल बॉन्ड के अगर एडजेसेंट पोजीशन में है इसे आप क्या बोलोगे? एलिन बोलोगे। और जब इस एलिन पे आपका कार्बिन का एडिशन करवाया जाता है, और ये किस टाइप का एलिन है? तो ये आपका जो एलिन है ये सिमेट्रिकल एलिन है। कैसा है? सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एलिन, सिमेट्रिकल एलिन। जब आपका सिमेट्रिकल एलीन पर कार्बिन का एडिशन करवाया जाता है, जब कार्बिन इंसर्ट होता है एलीन पर सिमेट्रिकल हो गई, किस टाइप का एलीन? सिमेट्रिकल एलीन पर। यहाँ पे आपका चाहे यहाँ इस वाले डबल बॉन्ड में जाकर के ये आपका कार्बिन इंसर्ट हो सकता है, या इस डबल बॉन्ड में जाकर के ये कार्बिन आपका इंसर्ट हो सकता है, क्योंकि एक ऐसा एलीन है, ए एलिन आपका सिमिट्रिकल एलिन है। तो यहाँ पे जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इस पाई बॉन्ड में उतने ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पाई बॉन्ड में होगी। तो ये दोनों में से किसी पर एक पर भी क्या हो सकता है? जाके ऐड हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो इस सपोज दैट इस एली इस डबल बॉन्ड पे जाकर के आपका कार्बिन ऐड होता है, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा। इस तरीके का प्रोडक्ट आपका बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप बात करते हो, अगर अगर मान लो आपका जो एलीन है वह एलीन सिमेट्रिकल ना होकर के अनसिमेट्रिकल है, जैसे मान लो कोई एलीन है, मैं बताया हूं कि एलीन जो होते हैं ऐसे डाइईन होते हैं जो एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे होते हैं, यानी जो दोनों डबल बॉन्ड होंगे वह एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होंगे? एडजेसेंट पोजीशन पे होंगे। तो ये जो डबल बॉन्ड है इसके जस्ट अब बाद में क्या है, इससे जस्ट बाद में आपका डबल बॉन्ड है, यानी ये दोनों जो आपके डबल बॉन्ड है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट पोजिशन पे। अब मान लो आपका एक एलिन है
जो कि क्या है, अन यहाँ पे जो एलिन लिया गया है वह एलिन अनसिमिट्रिकल है, क्योंकि अगर आप इसको बीचों बीच से एक प्लेन गुजारोगे, इस मॉलिक्यूल के बीचों बीच से एक प्लेन गुजारोगे, इधर आपका जो साइड होगा वो अदर होगा और इधर जो साइड होगा आपका अदर है, ठीक है। एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, ये दोनों जो ग्रुप है वे एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, एक ग्रुप इस ग्रुप का मिरर इमेज नहीं होगा, एक ग्रुप जो है इस ग्रुप का मिरर इमेज एक ग्रुप नहीं है, ठीक है। एक ऐसा ही आपका एलिन है अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल एलिन है। अगर इस अनसिमेट्रिकल एलिन पर अगर हम क्या करें, अगर इस अनसिमेट्रिकल एलिन पर आपका मिथाइलिन कार्बिन का एडिशन करवाया जाता है, तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वह कुछ इस तरीके का बनेगा, कुछ इस तरीके का बने, ठीक है, इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, यहाँ पे जो कार्बिन था वो कार्बिन जाकर के कहाँ पे ऐड हुआ, तो इस वाले पाई बॉन्ड में जाकर के इंसर्ट हुआ है। अगर मैं बात करूं, ये जो आपका कार्बिन था, ये कार्बिन इस डबल बॉन्ड में जाकर के क्यों नहीं इंसर्ट हुआ, ये कार्बिन इसी डबल बॉन्ड पर जाके इंसर्ट क्यों हुआ, तो इसलिए क्योंकि तो यहाँ पे आपका जो इस पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वह ज्यादा होगी इन कंपेयर टू इन दिस पाई बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड होगा इस डबल बॉन्ड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो एक कार्बिन कैसा था आपका, इलेक्ट्रोफाइल था, यह किसको प्रेम करेगा, यह एक आपका यह जो कार्बिन है यह एक इस कार्बिन जो है ये एक ऐसा है आपका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का, यानी कार्बिन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है, तो यह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, अगर यह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो यह ऐसे जगहों पे जाना चाहेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। अगर इसको ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे जाने का और यहाँ पे जाने का, तो इन दोनों में से ऐसे वहां पे जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ऐसा क्यों, क्योंकि तो यहाँ पे जो आपका ये जो आपका ग्रुप है मिथाइलिन ग्रुप, ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और ये वाला मिथाइलिन ग्रुप भी क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यानी ये जो ग्रुप होगा ये अपना प्लस आई लगाएगा इफेक्ट, और ये ग्रुप भी अब क्या करेगा अपना प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे इस मिथाइलिन ग्रुप का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी होगा, तो दोनों जो इफेक्ट दोनों जो मिथाइलिन ग्रुप है इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो इस पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई आपका ग्रुप नहीं अटैच है जो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाए, सो आपका यहाँ पे जो मिथाइलिन कार्बिन है, ये मिथाइलिन कार्बिन इस डबल बॉन्ड पे जाके क्या होगा इंसर्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका ये प्रोडक्ट। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप ले सकते हो, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सिंगलेट जो कार्बिन होता है, सिंगलेट कार्बिन मोर सबस्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड, मोर सबस्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड, मोर सबस्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड पर जुड़ेगा, मोर सबस्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड पर जुड़ेगा, मोर सबस्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड पर जुड़ेगा, जबकि जबकि ट्रिपलेट कार्बिन लेस सबस्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड पर जुड़ेगा, डबल बॉन्ड पर जुड़ेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड पर जुड़ेगा, अगर आपका कार्बिन जो कि इंसर्ट हो रहा है एलिन पर, वह कार्बिन अगर आपका सिंगलेट कार्बिन क्या है, सिंगलेट कार्बिन है, तो यहाँ पे जो आपका कार्बिन होगा वह उस डबल बॉन्ड पे जाकर के ऐड होगा, इंसर्ट होगा, जो कि
मोर सबस्टिट्यूटेड होगा। और अगर आपका ये कार्बीन ट्रिपलेट कार्बीन हुआ तो ऐसे डबल बॉन्ड पे जाके जुड़ना चाहेगा जो कि क्या होगा, लेस सबस्टिट्यूटेड होगा, लेस सबस्टिट्यूटेड। एक ऐसा कार्बीन था आपका सिंगलेट कार्बीन था, तो सिंगलेट कार्बीन ऐसे डबल बॉन्ड पे जुड़ना चाहेगा जो कि क्या होगा, मोर सबस्टिट्यूटेड होगा। ये जो कार्बीन था, ये कार्बीन डाई सबस्टिट्यूटेड था। ये जो कार्बीन था वो कैसा था, डाई सबस्टिट्यूटेड था, क्योंकि ये यहाँ पे जो कार्बन था वह दो आपके एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ, तो एक ऐसा कार्बिन था डाई सबस्टिट्यूटेड कार्बिन था। और यहाँ पे आपका कोई भी आपका सबस्टिट्यूएंट सब कोई भी सबस्टिट्यूएंट आपका इस कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं, ठीक है। तो ये आपका डाई था, ये ज्यादा सबस्टिट्यूटेड था तो इसी पे जाके ऐड हुआ। अगर यही ट्रिपलेट कार्बिन होता तो यहाँ पे जाके ऐड होता, यहाँ पे जाके ऐड होता, ठीक है। हम बात करेंगे रीमर टीमर रिएक्शन के बारे में। रीमर टीमर रिएक्शन, रीमर टीमर रिएक्शन में क्या होता है, जब आप किसी फिनॉल को, जब आप फिनॉल को ट्रीट करते हो विथ, जब आप किसी फिनॉल को ट्रीट करते हो विथ क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनता है वह सेल्सिल डिहाइड होता है। क्या बनता है, सेल्सिल डिहाइड। अगर आप फिनॉल को ट्रीट करोगे विथ क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सेल्सिल डिहाइड। क्या बनेगा, सेल्सिल डिहाइड। दिस इज योर सेल्सिल डिहाइड, सेल्सिल डिहाइड, सेल्सिल डिहाइड, सेल्सिल बी, सेल्सिल बी, ठीक है। आपका जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, सेल्सिल डिहाइड प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर इसके मैकेनिज्म को आप समझना चाहते हो समझ सकते हो कैसे। ये यहाँ पे जो आपका देखो, ये जो था आपका क्लोरोफॉर्म, एक इस क्लोरोफॉर्म में एक हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि ये क्लोरीन जो है आपका माइनस आई इफेक्ट लगाने वाला ग्रुप है, तो यहाँ पे ये जो क्लोरीन होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वह अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो आपका बेस है वह बेस क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे जब हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा ये बॉन्ड यहाँ पे आपका शिफ्ट हो जाएगा और कुछ इस तरीके का आपका कार्बन आयन बनेगा। और यहाँ पे फिर क्या होगा, ये जो क्लोरीन है, एक क्लोरीन एज ए क्लोराइड आयन के रूप में बाहर निकल जाएगा, लीक कर जाएगा, यहाँ पे आपका बनेगा डाई क्लोरो कार्बीन, डाई क्लोरो कार्बीन। अब इस डाई क्लोरो कार्बीन का क्या होगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग पर इंसर्शन होगा। इस बेंजीन रिंग में क्या है, इस बेंजीन रिंग में है डबल बॉन्ड, इस बेंजीन रिंग में क्या है, डबल। इस बेंजीन रिंग में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या है आपका कार्बीन, जो कि क्या है, एक कार्बीन आपका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का मतलब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है। अगर यहाँ पे आपका इस हाइड्रोक्साइड ग्रुप में जो ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, ये लोन पेयर जो अगर अगर यहाँ पे आपका कंजुगेशन में जाता है तो ये जो पाई बॉन्ड होगा यहाँ पे शिफ्ट होगा, और यहाँ पे जब शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बिन, ठीक है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है, तो यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, इस तरीके का सिचुएशन डेवलप होगा। और यहाँ पे इस कार्बन से इस कार्बन इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के आर्थो पोजीशन पे क्या ऐड होगा आपका, एक कार्बिन जाकर के लिंक हो जाएगा कुछ इस तरीके का, यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है। अभी निगेटिव चार्ज क्या होने वाला है,
निगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे, देखो ऑक्सीजन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, और ऑक्सीजन के ऊपर से क्या क्या मोर, देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचने की, अपनी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता होती है ऑक्सीजन की, ज्यादा होती है। ऊपर से इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और भी ज्यादा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से एक क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, अगर ऑक्सीजन अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन है वह प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलेगा और इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा एक कार्बन। यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का सिचुएशन बनने वाला है, कुछ इस तरीके का। और यहाँ पे आपका जो हाइड्रोक्साइड, और भी बहुत सारे हाइड्रोक्साइड ग्रुप प्रेजेंट होंगे सोल्यूशन में, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होंगे, यहाँ पे अटैक करेंगे। एक बार यहाँ पे अटैक करेगा तो आपका एक क्लोरीन एज ए क्लोराइड आयन के रूप में बाहर हो जाएगा, जो आपका सिचुएशन बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे एक OH आ गया, यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का, इस तरीके। ये जो आपका दूसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा वह इस पोजीशन पर अटैक करेगा, और यहाँ पे दूसरा वाला जो क्लोरीन था वो भी क्या होगा, क्लोराइड आयन के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो आपका यहाँ पे दो OH आ जाएंगे इस कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपका दो, एक कार्बन पे दो हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास में क्या है, लोन पेयर, और इस ऑक्सीजन के पास भी क्या है, दो लोन पेयर है। तो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होने की वजह से एक ही पोजीशन पे दो हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका रिपल्सन होने की वजह से यहाँ पे एक कार्बन पे दो हाइड्रोक्सी ग्रुप आपका स्टेबल नहीं होगा, और यहाँ से आपका इलिमिनेट हो जाएगा वाटर। क्या इलिमिनेट हो जाएगा, वाटर। जब इलिमिनेट आपका वाटर इलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है कुछ इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, जब ये हाइड्रोजन यहाँ पे इस पाई बॉन्ड, इस कार्बोनिल कंपाउंड के, इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में जब रेजोनेंस में जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, और ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, और जो ओवरऑल आपका प्रोडक्ट बनेगा वह इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे आपका आ गया एच, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये क्या बन गया आपका, सेल सेल डिहाइड, क्या बन गया, सेल सेल डिहाइड, सेल सेल डिहाइड, ठीक है। जो कि क्या है आपका, यहाँ पे इस रिएक्शन में प्रोडक्ट है। इसी तरीके से आप बात करते अगर हो, अगर हम क्या हो, अगर हम पायरोल, अगर हम पायरोल को ट्रीट कर दें विथ, इफ वी ट्रीटेड पायरोल विथ क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सर, अगर हम पायरोल को ट्रीट कर देते हैं विद द मिक्सर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देन व्हाट विल बी प्रोडक्ट, पायरोल, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप के आपके प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, नाइट्रोजन के अर्थो पोजिशन पे आपका CHO ग्रुप ऐड हो जाएगा इस तरीके से, और जो दूसरा प्रोडक्ट आपका बनेगा वह कुछ इस तरीके का बनेगा, जो दूसरा ग्रुप बनेगा वह कुछ इस तरीके का बनेगा, कुछ इस तरीके का ग्रुप आपका, कुछ इस तरीके का आपका बनेगा, ठीक है। तो ये है आपका, देखो ये बात समझ में आती है कि ये जो प्रोडक्ट है आप, एक इस प्रोडक्ट को आप समझ सकते हो कैसे,
कैसे समझ सकते हो कि ये पूरा टॉप कब बना है? यहाँ पे आपका क्या जनरेट हुआ है, यहाँ पे आपका एक कार्बिन जनरेट होगा। अभी जस्ट रीमर टीमर रिएक्शन में हमने देखा है कि जब आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म होता है तो यहाँ पे एक आपका कार्बिन जनरेट होता है, डाई क्लोरो कार्बिन। यहाँ पे नाइट्रोजन क्या करेगा आपका? अच्छा एक चीज यहाँ पे मैंने यहाँ पे देख सकते हो, ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है। अगर ये लोन पेयर यहाँ पे इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में जाता है तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और यहाँ पे ये वाला जो पाई बॉन्ड होगा यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज। यही निगेटिव चार्ज यहाँ पे इस कार्बिन के ऊपर अटैक कर देगा, और यहाँ पे आपका फिर आगे चल करके हाइड्रोक्साइड ग्रुप इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और यहाँ पे आपका ओवरऑल जो प्रोडक्ट, ये जो आपका कार्बिन है वो कार्बिन आपका सी2 ग्रुप में चेंज हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग में चेंज हो गया। ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट आपका एबनॉर्मल प्रोडक्ट। क्या है? एबनॉर्मल प्रोडक्ट। अगर इस एबनॉर्मल प्रोडक्ट को, इस ये जो आपका एबनॉर्मल प्रोडक्ट है ये कैसे बना, अगर इसको आप समझना चाहते हो तो आप यहाँ पे इस कुछ इस तरीके का आप समझ सकते हो। ये आपका जो पायरोल था, ये पायरोल में, जो पायरोल था, इस पायरोल में ये जो कार्बन कार्बिन, ठीक है, ये क्या था? कार्बिन। ठीक है यहाँ पे साथ ही साथ आपका सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, सॉरी हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है। अब इस हाइड्रोक्साइड अगर यहाँ पे इस पायरोल के ऊपर, ये जो पायरोल्स में नाइट्रोजन से जो आपका हाइड्रोजन लिंक है, अगर इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है आपका हाइड्रोक्साइड ग्रुप, तो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन की तो कैसा चल जाएगा? निगेटिव चल जाएगा, यहाँ पे अपन डबल। ठीक है तो यहाँ पे क्या होने वाला है आपका, अगर ये नाइट्रोजन की जो निगेटिव चार्ज है अगर यहाँ पे रेजोनेंस में जाता है, ये जो पाई बॉन्ड होगा यहाँ पे शिफ्ट होगा, और यहाँ पे आपका क्या था? कार्बिन। क्या था? कार्बिन, क्योंकि क्या था? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का था, यह इलेक्ट्रॉन की चाहत रखता था, यह सोचता था कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन कोई दे दे, ठीक है, इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा, और यहाँ पे अगर अटैक करता है पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का सिचुएशन बनेगा। कैसा सिचुएशन बनेगा? कुछ इस तरीके का, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे कुछ इस तरीके का, ठीक है, और यहाँ से क्या लिंक हो गया आपका? कार्बन, और कार्बन ऊपर कैसे चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट, ये जो पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे डोनेट हुआ है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज। ठीक है, कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। इस तरीके का बन सिचुएशन। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका होने वाला है, ए पाई बॉन्ड, ए जो यह कार्बन निगेटिव चार्ज है, ए कार्बन निगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा। ए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे अटैक करेगा, और ए पाई बॉन्ड फिर से शिफ्ट होगा कुछ इस तरीके का, और ए पाई बॉन्ड इस नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट, यहाँ पे जो आपका कंपाउंड बनेगा वह कुछ इस तरीके का। इस तरीके का निगेटिव, ठीक है, ये निगेटिव चार्ज जब यहाँ पे आपका रेजोनेंस में जाएगा, ये जो बॉन्ड होगा आपका, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ पे आपका शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर। डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका कार्बन था, इस कार्बन से क्या लिंक है? कार्बन, यहाँ पे आपके दो क्लोराइड, दो क्लोरीन क्लोरीन ग्रुप ऐड है, और यहाँ पे क्या आ गया? निगेटिव चार्ज। यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया? निगेटिव चार्ज आ गया। सॉरी, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा सिचुएशन होने वाला है,
मैं बात करूं यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का सिचुएशन होगा, जब आपका ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आपका कंजुगेशन में जाएगा, ये जो आपका ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड आपका, ये बॉन्ड जो है आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे जब शिफ्ट होगा यहाँ पे आपका जो क्लोरीन है वह एज ए क्लोराइड आयन के रूप में लीक कर जाएगा, क्योंकि तो आप जानते हो जो क्लोराइड आयन होता है वह गुड लिविंग ग्रुप इजिली क्या कर सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं, उनको बाहर निकाला जा सकता है इजिली। जो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं वह इजिली क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। यहाँ पे आपका, अच्छा अगर मान लो ये आपका नाइट्रोजन फर्स्ट पोजिशन है, सेकेंड पोजिशन है, थर्ड पोजिशन, फोर्थ पोजिशन है, और ये आपका फिफ्थ पोजिशन है, और ये आपका सिक्स पोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे इस पाई बॉन्ड के, जब ये पाई बॉन्ड यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड था, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे जब आपका शिफ्ट होगा तो फोर और फाइव के बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे आपका एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की एक कार्बन आपका रिंग बनेगा, कुछ इस तरीके का। यहाँ पे नाइट्रोजन था ही, ठीक है। यहाँ पे आप नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, फोर और फाइव के बीच में क्या बना है, पाई बॉन्ड बना है, ठीक है। और टू और थ्री के बीच में क्या था, ऑलरेडी पाई बॉन्ड था। और आपका जब ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आपका कंजुगेट किया है, तो यहाँ पे फर्स्ट और सिक्स के बीच में क्या बना है, एक पाई बॉन्ड बना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो फाइव पोजिशन, फाइव पोजिशन के पास में क्या है, फाइव पोजिशन पे क्या है, एक आपका क्लोरीन ग्रुप है, ये आपका यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप है, ठीक है। दिस इज योर एबनॉर्मल प्रोडक्ट, एबनॉर्मल प्रोडक्ट, दिस इज योर एबनॉर्मल प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज योर एबनॉर्मल प्रोडक्ट। एबनॉर्मल प्रोडक्ट कैसे बना, यहाँ पे वो आपने एक्सप्लेन कर दिया इजली, ठीक।